हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर बॉर्डर लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये बहुत ईजी है और ये मोटी गांठ वाले फंदों से डाला गया है। कितना अच्छा लग रहा है, आप बनाकर देखिए, ट्राई कीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अब मैं आपको बॉर्डर डालना बताती हूँ कैसे डाला मैंने। ये मैंने दो धागे से डाला है, आप इससे तीन धागे भी बना सकते हैं। आपको मोटी और भी ज़्यादा मोटी गांठ बनानी हो तो तीन धागे से बना सकते हैं। इसको मैंने फोल्ड कर लिया, ये देखिए। और अब इसको शुरू करने के लिए पहले यहाँ पर रिंग बनाइए, इस प्रकार से, ये देखिए, इस प्रकार से घुमा लीजिए। और जो ये एक धागा है साइड वाला, गोले वाला, इसको इसके बीच में से निकाल कर इस प्रकार से सिलाई में डालिए, ऐसे। और अब इसको खींच दें। अब मैं फंदे डालना शुरू करती हूँ, ये देखिए। पहले हम एक फंदा ऐसे डालेंगे, ऊपर से धागा डाला, इसको ऐसे कर दिया। दूसरा फंदा जो है वो हम उल्टा करके डालेंगे, ऐसे हाथ में धागा लिया और इसके ऊपर रख दिया। फिर इस धागे को सिलाई के ऊपर से इस प्रकार से घुमा दें और इसके ऊपर से उतार दें, ऐसे। पहले सीधा फंदा डालेंगे ऐसे, और दूसरा फंदा जो है इस प्रकार से करके धागे को इसके ऊपर रखिए और ये धागा घुमाइए और ऊपर से इसको उतार दें। बहुत से लोग पैर में उलझा कर भी बना देते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ। ये देखिए, ऐसे डाला, ये बहुत ईजी है, इसलिए इसी प्रकार से डालती हूँ। और इस धागे को इस प्रकार से रखा, ऊपर से ये घुमाया और इसको, ये जो रिंग बना है, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। तो इस प्रकार से हमारी गांठें बनेंगी, ये देखिए, इसी प्रकार से घुमाते जाएं। आपको जितना फंदा डालना हो आप डाल सकते हैं, ऐसे। एक बार ऐसे और दोबारा ऊपर से इस प्रकार से। आपको जितने भी फंदे डालने इस प्रकार से डालिए। ये देखिए, इस प्रकार से इनकी गांठें कितनी सुंदर आई हैं। अगर आपको थोड़ा और भी मोटा करना हो धागा तो और भी कर सकते हैं, तीन प्लाई बना सकते हैं इस धागे से और इस प्रकार से बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर आपको बॉर्डर बनाकर दिखाऊंगी। ये धनिया वाला बॉर्डर है और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ईजी है। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, पंद्रह जोड़े डालें। ये सोलह,
और ये 17 और ये 18। मैं छोटे बच्चे के स्वेटर की बाजू डाल रही हूँ, मैंने इसमें 18 जोड़े डाले। अब मैं आपको बताऊंगी इस बॉर्डर को मैंने कैसे बनाया। ये देखिए, जैसे हम उल्टा और सीधा बनाते हैं उसी प्रकार से पहले हम सीधा फंदा बनाएंगे। एक फंदा हम सीधा बनाया, फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर पीछे धागा किया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, फिर पीछे धागा किया, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा बनाया, फिर पीछे धागा किया, फिर सीधा फंदा बनाया, फिर आगे धागा किया, उल्टा फंदा बनाया। इसी प्रकार से हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। एक उल्टा और एक सीधा फंदा बनाना है। ये देखिए, ये सीधा और ये उल्टा, ये सीधा ये उल्टा। इसमें उल्टी सीधी सिलाई नीचे बॉर्डर बना डालने के बाद उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा ही बॉर्डर शुरू किया जाता है, जिससे शेप भी अच्छी आती है और दिखाई भी अच्छा देता है। ये देखिए, ये हमने पहली सिलाई कंप्लीट कर ली। अब सेकंड सिलाई में क्या करना है ये देखिए आप। ये हमारा इधर से उल्टा फंदा है और इधर से हमारा ये सीधा फंदा है। अब उल्टे फंदे को हमने इस साइड से सीधा बनाना है। ये देख, इस प्रकार उधर से सीधा आया था तो इधर से हमने इसको उल्टा बनाना है, यानी कि उल्टे पर सीधा और सीधे पर उल्टा। इस प्रकार से बनाइए, ये उल्टा है तो इसको सीधा बनाएंगे और ये सीधा है तो इसको उल्टा बनाएंगे। दोनों साइड से इसी प्रकार से बनाना है, उल्टे पर सीधा और सीधे पर उल्टा। पूरी सिलाई हमने इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है और आगे भी इसी प्रकार बनाना है। जो फंदा हमारा सीधा आएगा उसको उल्टा बनाना है और जो उल्टा आएगा उसको सीधा बनाना है। इसी प्रकार बनाते हुए मैं आगे आपको दिखाती हूँ किस प्रकार आपका बॉर्डर लगेगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए हैं, और बनकर जब तैयार हो जाएगा हमारा बॉर्डर तो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बनेगा और इसी प्रकार से बनाइए। धन्यवाद।